3 महीने के लिए मैंने थोड़ा कम कर दिया, अभी बस 3 महीने हो गए। क्योंकि अगर हम पैड लगाते हैं तो हमें मतलब या कोई भी पैड लगाते हैं तो सिर हैवी होता है, क्योंकि उस टाइम पे होता ही है सब चीज़, मतलब ऐसे करते ही घबराहट आता, चक्कर आता, सब चीज़ आता है, तो मतलब दिमाग का फ्यूजी कर जाते हैं पूरे। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला मना बंद कर दो, तो मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया और आप लोगों को बताया भी नहीं है, और अगर बताऊँगी अगली वीडियो में। तो बस ये पैक अगर आप लोग रेगुलर स्टार्ट करते हो, कभी बंद नहीं करते हो, तो आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो कभी बंद नहीं होगी। और जो वैसे वो होते हैं ना कि एक बार बाल कटवा लिए तो हम बढ़ा नहीं सकते, मैंने आपके सामने देखो अभी कितने बड़े किए थे, ठीक है, किए थे ना अभी, और मैंने फिर से भी कटवा लिए। तो कोई ये नहीं है कि रीजन कि एक बार कट गया तो बाल बड़ा नहीं होगा। वैसे कहते हैं अपने बड़े बाल कटवा दिए दीदी कैसे बढ़ेंगे, अरे होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो होते हैं। और मैं आज बल चीजें नहीं लगाती हूँ, जो चीजें वर्क करती हैं, जो चीज प्रॉपर ना अच्छी है, जिनसे बालों की ग्रोथ होती है, बाल बड़े होते हैं, हमारे मतलब बालों का जो मतलब साइन है वो बना रहता है, तो वही चीजें मैं लगाती हूँ। और अदरवाइज चीज में फालतू में पड़ती नहीं हूँ कि ये लगा रहा है वो लगा उल्टा सुलटा, और ना एक्सपेरिमेंट ज्यादा अपने सिर पे करती हूँ, क्योंकि वो हमें ही नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए ये पैक जरूर लगा के ट्राई करना। वैसे मैं प्रोसेस आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ इसका, आपको सारी चीजें पीस के डिब्बे में भर के रख लेनी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भिगो कर भी रख सकते हैं, अगर नहीं भिगो करके रखना चाहते हैं तो सारी चीजें जो भी चीज आपके पास में उपलब्ध है उनको सारों को पीस करके मेहंदी जरूर लेना इसमें, ठीक है, सारों को पीस करके डिब्बे में रख लीजिए भर के। जब भी आपको ये पैक लगाना हो तब आप इसको पानी में डालिए, थोड़ी देर के लिए रखिए, आधे से एक घंटे के लिए, और फिर आप इसको उबालिए, और जब तक उबालिए तब तक इसका ब्लैक कलर ना आता है, ठीक है। आप चाहें तो इसे नाइट में भी आधे से एक घंटे लगाकर बालों को धो करके सो सकते हैं, और अगर चाहें तो दिन में भी लगा सकते हैं, और अगर वीक में आप 2 से 3 बार लगाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है बीच में, आज लगा रही हूँ, अभी स्टार्ट कर रही हूँ पैकों को लगाना, तो इसलिए ये मैं सोच रहा हूँ कि दीदी अकेले अकेले लगा रही है और हमें तो बता ही नहीं रही है, ऐसे भी नहीं है। मैं लगाती हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो डालती हूँ, अगर नहीं लगाती तो नहीं डालती। और हिना दीदी को एक क्यूट सा बेबी हुआ है, आप लोग तो जानते होंगे जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, तो उनके क्यूट सा बेबी हुआ है, उन्होंने मुझे पिक भी भेजी उसकी, बहुत ही अच्छा है, क्यूट है एकदम। तो चलो ये तो खुशी की बात है बहुत। बस एक बात बोलना चाहूंगी, इसको बारीक पीसना थोड़ा, और रीठा कम डालना, रीठा ज्यादा मत डालना, और गुनगुना ही लगाना इसको, एकदम ठंडा हो जाता है तब नहीं लगाना, तो गुनगुना ही लगाना, तब ये ज्यादा वर्क करेगा आपके बालों में। और हाँ, इसको शैम्पू से नहीं धोना, धुले हुए बालों में लगाना, पानी से ही धोना है बस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आप लोग अगर पैक लगा रहे हैं तो उसको किस वे में लगाएं, किस तरीके से लगाएं, ताकि आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो और बेफालतू की चीजों पे ना पड़े, घर में जो भी चीज उपलब्ध है उन्हीं पर लगाएं। और एक बस एक चीज का ध्यान रखें कि कभी भी शैम्पू की क्वांटिटी ज्यादा ना करें, बाल धोते हैं ना तब आप। और एक पानी का ध्यान रखें कि पानी अगर आपका ऑयली है तो उसमें आप अपने बालों को जैसे ऑयली मतलब ऑयली अगर पानी होता है ना तो उसमें क्या होता है, अगर हम ऑयल लगाते हैं अपने बालों में तो हमारे बाल और हेयर फॉल होता है। अगर बाल उस पानी में हम बालों में अगर हेयर मतलब बालों में अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल भी कम होगा। अगर ऑयलिंग वाला मतलब पानी, कोई पानी ऐसा आता है जिसमें तेल 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 पानी में ऐसे दिखता है ऊपर से, और अगर जिनके पास आरो लगा हुआ है उनके पास तो फिल्टर पानी आता है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके पास नहीं लगा हुआ है और उनके पास जैसे बोर से पानी आता है जैसे कहीं से या नल का आता है, नल का तो सच्ची में अच्छा होता है पानी, ठीक है, नल का पानी तो बेस्ट होता है। हाँ, उसको अगर वाइट वाइट आता है फ्लोर क्या बोलते हैं उसको, एक वाइट वाइट फ्लोराइड आता है पानी में जमा हुआ, वो बहुत जम जाता है। हम कहते हैं ना हमारा हेयर फॉल वो किससे रहा है, हमारा हेयर फॉल उसी से होता है, क्योंकि उसी से हमारे जो स्कैल्प होती है वो रुखी हो जाती है और उसमें डैंड्रफ इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि उससे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी चीज देखा कीजिए, अगर आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और वाइट वाइट जमता है आपका पानी, तो प्लीज उस पानी को गर्म कीजिए, गर्म करके ठंडा होने दीजिए और फिर उसको छानिए, फिर आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और शैम्पू जितना हो उतना बिना कास्ट, अगर तेलिया पानी है जैसे पानी में ऑयल दिखता है तो उसमें आप कास्टिक वाला ऑयल ले, मतलब कास्टिक वाला शैम्पू ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा। अगर नहीं है
पानी में पानी अच्छा है, उसमें तेल सा नहीं है, तो आप बिना जो कास्टिक कम आता है उस शैम्पू में वही इस्तेमाल करें, कास्टिक वाला शैम्पू इस्तेमाल ना करें जिसमें ज्यादा, क्योंकि मैंने बीच में पता जिस जगह में रह रही थी वहाँ का पानी बहुत ही खराब था, मैं आपको बताती थी बहुत ज्यादा पानी खराब था, तो वहाँ पे क्या था ना कि वो पानी जो तेल 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 होता था उसमें तेल दिखता था, मैं बालों में ऑयल लगाती जैसे चिपक जाते थे बाल धोने के टाइम पे, तो मैंने चिक शैम्पू इस्तेमाल किया क्योंकि उसमें कास्टिक ज्यादा आता, मतलब उसमें शैम्पू बहुत ज्यादा आता है, उसमें थोड़ा सा लगा हुआ फूल जाता है, उससे क्या रहता था वो ऑयल है ना प्रॉपर जो मेरे बालों में लगा हुआ था वो और जो पानी के थ्रू मेरे बालों में आता था वो भी निकल जाता था, तो उससे मेरा हेयर फॉल कम हो गया। और फिर मैंने ऑयल की जो क्वांटिटी अपने बालों में लगाने की वो भी कम कर दी, वो भी मैंने कम से कम धोने के एक घंटे पहले या नाइट में लगाना स्टार्ट कर दिया, पानी जैसा पानी था उसी हिसाब से मैंने फिर केयर करना स्टार्ट कर दिया बालों की, तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए थे, घने भी हो गए थे अभी, फिर अब इधर मतलब अभी घर ले लिया है और अब अपना ही घर ले लिया है, खुद का न्यू घर लिया है, तो कभी बताऊंगी कैसा है क्योंकि अभी तो पूरा तैयार हुआ नहीं है, अभी हो रहा है प्रोसेस चल रहा है इसका, जैसे जैसे एकदम तैयार हो जाएगा अच्छे से तब आप लोगों को बताऊंगी, पर आप लोगों की दुआ से सबसे, और मतलब क्या बोलूँ मैं तो ले ही नहीं पाती, पर मेरे घर वालों का सपोर्ट मतलब मेरे मम्मी पापा उनके सपोर्ट के बिना, और सबसे बड़ी बात मेरा बड़ा भाई जिसका नाम राहुल है, वो अगर मेरे को सपोर्ट ना करे ना, और वो मेरे को मतलब हाँ लड़ता है, लड़ाई होती है हम दोनों बहुत होती है, मतलब चलता है भाई बहन, पर मेरे को जी जान देता है बहुत उसकी वजह से, और कुछ मेरे हस्बैंड की वजह से, तो मतलब ये घर आ गया, सबसे ज्यादा जो हेल्प किया मेरी मेरे बड़े भाई ने किया है, अगर वो नहीं होता तो मैं सच्ची में बोल रही हूँ, मतलब बहुत दिक्कत होती है हर चीज़ की, और जो मेरे जी हैं जो मैं जी बोलती हूँ उनको, वो तो बोलूँ ना दुनिया में मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मेरे को मिलता नहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता, इतना बेस्ट है, और वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए घर भी आ गया, और मतलब भगवान करे वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, और आप लोगों की दुआ से, मैं सोच रही थी कि मैं आगे वीडियो में बताऊँ, आप लोगों की दुआ से मेरा दो बार मतलब मेरा फर्स्ट मेरे को खराब हो गया था फर्स्ट बार मेरा, तो आप लोग बोलते ना दीदी कब करोगे कब करोगे, मैं आपको मेरा दिन मतलब ऐसी टेंशन चलती थी चलता ही अपना घर में, तो मतलब मैं जानती भी नहीं थी, मतलब मेरे को मालूम ही नहीं चला मेरा मतलब ऐसे खराब हो गया, मतलब डेढ़ से दो महीने का हो गया था मेरे को, फिर मतलब पॉजिटिव रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा, फिर अब जाके मतलब एक दो बार हो चुका है मेरे साथ से, अब जाके कुछ हुआ है, और अभी मेरा तीसरा मंथ चल रहा है, और आप लोगों की दुआ से ही है, तो ये चीज़ जो आपको बतानी थी जो मैं आज बता रही हूँ, बस अच्छे से हो जाए सब कुछ, और जितना होगा उतना मैं कोशिश करूँ, कि तीन मंथ के लिए मुझे मना किया था तो मैंने बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया आप लोगों की वीडियो डालना पैक की बात, ये सब चीज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर हमें दिक्कत होती है और वो घबराहट चक्कर आता है उल्टी भी आता है तो उस वजह से मैंने बंद कर दिया था, तो ये चीज़ें थी बताना मुझे आप लोगों के लिए, बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बताऊँ बताऊँ बताऊँ, फिर मैंने अब बता दूँ, चलो तो ऑल दीदियों के लिए लव यू, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जितना होता है आप लोग कीजिए, कोई ऐसे नहीं है तो हाँ जरूरी करिए, बस आप लोग प्यार ही बहुत है। इस बैग को आपको बनाने के लिए चाहिए आयरन का तवा या कढ़ाई, ठीक है, अगर आपके पास में है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है ना तो कोई बात नहीं। अब इसमें मैंने जैसे अपना करी लिप्स है, सिका का ही है, फ्लैक्स सीड है, और क्या बोलते हैं हिबिस्कस पाउडर भी आप ले सकते हो, भिंगराज पाउडर भी आप ले सकते हो, जो भी आपके पास में एक्स वाई जेड उपलब्ध है वो ले सकते हो, अगर आप रीठा लेना चाहते हैं तो रीठा की प्लीज़ क्वांटिटी कम करना, आंवला तो आपको लेना ही लेना है, और जो भी पाउडर आपके पास में नीम का पाउडर है या कोई भी पाउडर आपके पास में उपलब्ध है, सारे पाउडर मेथी दाना जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो आपको लेके पीस के रख लेना है, और ये पैक मेरा सबसे बेस्ट पैक है, इस पैक को तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ आपको पता ही है, तो अगर आप लोग अपने बालों की ग्रोथ को स्टार्ट रखना चाहते हैं ना, और आप अपने बालों में साइन और मतलब ब्लैक रखना चाहते हैं बालों को, तो प्लीज़ इस पैक को लगाना आप लोग कभी बंद ना करें, और जैसे मैं बता रही हूँ प्लीज़ वैसे ही इस पैक को लगाएं, ठीक है, और तो लगाना मैंने शायद आगे की वीडियो में बता दिया जैसे, और फिर भी बता दे रही हूँ, जैसे वीक में आप इसको दो से तीन बार लगाएं और धुले हुए बालों में लगाएं, शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, तो ही आप लोगों के लिए पैक बहुत बेस्ट है, ठीक है, और गुनगुना ही लगाना है, ओके, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और